हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स के बारे में। तो डे टाइम रनिंग लाइट्स बोले या DRL बोल लीजिए, ये जो है हमारे इंडिया मार्केट में जो है किसी किसी सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही अवेलेबल है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी के स्विफ्ट की बात करें, जो भी लेटेस्ट कार है मारुति सुजुकी की, उसमें जो है सिर्फ आपको ये टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसके अंदर जो है आपको DRL नहीं मिलेगा। तो DRL इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो हमारा 1970 में किया गया था, और 1970 में जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसका मेन पर्पस यही था कि ये सेफ्टी जो है हमारी इनहेंस करे कार की। क्योंकि DRL होता क्या है कि ये जो है एक वाइट लाइट, अगर कहिए ज़्यादातर वाइट लाइट्स में यूज़ किया जाता है। वाइट लाइट जो है वो जो है अटेंशन को ग्रैब करता है जब हम रोड पर चल रहे होते हैं। तो उस अटेंशन की ग्रैबिंग से क्या होता है कि जो सामने जो ड्राइवर होता है, या फिर आप कहिए कि आप किसी के पीछे चल रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा अटेंटिव हो जाता है, उसके पीछे कोई कार है, उससे जो है आपकी सेफ्टी बढ़ती है। दूसरा जो चीज़ DRL करता है वो आपकी कार की जो लुक को है उसको थोड़ा इन्हेंस करता है। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी मॉडल में, कोई भी कार हो, कुछ भी हो, आप जो है उसके अंदर DRL लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, कुछ बस सिंपल फॉलो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं और आप DRL जो है अपनी कार में लगा सकते हैं। तो इसको लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चीज़ को लगाने के लिए हमें कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में जो हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारा वायर कटर, लाइटर, इलेक्ट्रिक टेप, ताकि जो हमारी वायरिंग है उसको हम स्ट्रांगली जो है जोड़ सकें। उसके बाद हमारी कुछ वायरें ताकि हम कनेक्शन बना सकें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा LED डे रनिंग लाइट। ये जो है मैंने प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदा था अमेज़ॉन से, ये मुझे 220 रुपीज़ का पड़ा था। आप चाहें तो इसे अपने किसी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आप ख़रीदें वो 100% वाटरप्रूफ रहे, क्योंकि ये जो है हम अपने बम्पर के लगाने वाले हैं, तो वहाँ पे जो है पानी पड़ने के चांसेस जो हैं, या फिर आप वॉश करते समय जो पानी पड़ने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो उस वक्त जो है पानी से वो ख़राब ना हो, इसलिए जो है हमें वाटरप्रूफ लेना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमारी डे रनिंग लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की लगती है। पीछे से आप देख सकते हैं इस पर डबल साइडेड टेप लगे हुए हैं। डबल साइडेड टेप इसलिए लगाया मैंने पहले शुरुआत में ताकि जो है इसको मैं अपने बम्पर पे माउंट कर सकूं। और जिसे कनेक्शन है वो हम जो है अपनी पार्किंग लाइट से लेने वाले हैं। आप अपनी कार में भी देखेंगे कि जब पार्किंग लाइट जो है सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल पॉइंट होता है, जैसे ही आप एक बार अपने नॉब को घुमाते हैं तो पार्किंग लाइट्स ऑन होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमें जो है इन डे रनिंग लाइट्स को ऑन करने के लिए जो है हमें अपने पूरा हेडलैम्प को जो है ग्लो करना पड़े, तो क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए जो है हम इसमें पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है हम अपनी डे रनिंग लाइट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि जो है थोड़ा सही भी लगे और उसके साथ साथ जो है वो इजी टू एक्सेस हो। तो अभी जो है हमने जो है अपने LED लाइट्स के पीछे जो है थोड़ी वायर जो है एक्सटेंड करने के लिए जो है इसकी लोकेशन को पार्किंग लाइट से हमने जो है एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करी है। तो आप चाहें, अगर आपकी कार में इजी एक्सेसिबल है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो जो है आप इसको जो है थोड़े एक्स्ट्रा वायर से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो है आपके फ्रंट बम्पर तक ईजिली आ जाए और आप ईज़िली जो है इसको आगे प्लेस कर सकें। तो अब देख लेते हैं कि हमें इसको कहाँ लगाना है और हमें कौन सी वायर के साथ इसको कनेक्ट करना है इन दोनों LED लाइट्स को। तो अभी जो है सबसे पहले हमें जो वो ये जो है हमें जो है इसकी वायरिंग ढूंढनी होगी, जहाँ पर दिख रहा है कोई बल्ब नहीं लगा हुआ, तो यही होता है जो हमारी पार्किंग लाइट होती है। हमें सबसे पहले इसकी वायरिंग जो है इधर पीछे की तरफ जो है हमें ढूंढनी होगी। तो जैसे ही आप इसे डस्ट कवर को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है इधर ये छोटी सी जो ग्रीन और ब्लैक वायर है वो जो है हमारे इस आगे की जो पार्किंग लाइट्स है उसकी जो है ये वायर है। तो हमें जो है इसमें से जो है दो पॉइंट्स काटने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उस वायर को एक्सटेंड करके हमें जो है अपने इधर सामने जो है अपने बम्पर पे लगाना है। और इधर की वायरिंग जो है वो हो चुकी है। अब जो है इन दोनों डे रनिंग लाइट्स को जो है टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको टेप करके जो है अपने आगे के फ्रंट बम्पर पे लगाएंगे। तो देख लेते हैं कि अब हमारी पार्किंग लाइट्स जैसे हम ऑन करते हैं तो हमारी डे रनिंग लाइट्स ऑन होती हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ से पार्किंग लाइट्स अपनी ऑन कर दी। अब देखते हैं कि डे रनिंग लाइट्स का क्या सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं ये
आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइट्स और इधर वाली जो लाइट्स हैं दोनों अब जल रही हैं। तो अब बस हमें जो है इनको वहाँ टेप करना है उनकी वायरिंग को, और इसको जो अपने फ्रंट बम्पर पे लगाना है। तो वायरिंग वायरिंग करने के बाद जो है हमारी डे रनिंग लाइट जो है कुछ इस तरीके की लग रही है। तो आप जो है इस 5 मिनट की वीडियो में जो है इस डे रनिंग लाइट को जो है किसी भी कार में लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कई कार्स के बेस मॉडल में जो है डे रनिंग लाइट नहीं आता, बट हाई एंड्स में जो आता है उनमें जो है डे रनिंग लाइट मिलती है। तो बस आप इस 5 मिनट की ट्रिक से जो है अपनी कार में भी जो है डे रनिंग लाइट लगा सकते हैं। तो आप देख लेते हैं कि हमारी रात में जो है डे रनिंग लाइट है वो कैसी लगती है।